एक बार जल्दी से बिना देर किए चंडीगढ़ आपको लिए चलते हैं। वहां पर हलचल है। भगवंत मान राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं राजभवन में। वो इस वक्त मौजूद हैं। बनवारी लाल पुरोहित के सामने सरकार बनाने का वो दावा पेश करेंगे आज। पंजाब चुनाव में बंपर जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी सरकार गठन की तैयारी में, और वहां पर मेरे सहयोगी अमित पांडे लगातार बने हुए हैं। अमित, अब क्या हो रहा है? जी विपनेश, जैसा कि जानते हैं कि भगवंत मान जो हैं वो अंदर जा चुके हैं। बनवारी लाल जो गवर्नर हैं यहाँ के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। वहाँ इस वक्त भगवंत मान और जो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, उन दोनों की बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है। अब थोड़ी देर में भगवंत मान बाहर निकलेंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि मीडिया से रूबरू होंगे, क्योंकि काफ़ी जब से भगवंत मान मुख्य जीत इतनी बड़ी जीत दर्ज करके आई है, तब से ठीक से मीडिया से बात नहीं की, और यही वजह है कि हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि अब भगवंत मान यहाँ आएंगे। और ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर में भगवंत मान जो है वो गवर्नर हाउस से बाहर निकलेंगे, क्योंकि सुरक्षा की अगर हम बात करूँ तो पूरी तरह से सुरक्षाकर्मी जो है वो तैनात है। पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है और बस उम्मीद लगाई जा रही है कि किसी क्षण किसी भी वक्त भगवंत मान जो है वो गवर्नर हाउस से बाहर निकल सकते हैं। और अगर तस्वीरों में अगर हम देख रहे हैं तो शायद अंदर हलचल हो रही है, शायद निकलने की हलचल होने लगी, और उम्मीद करते हैं कि अगले 5 से 7 मिनट के अंदर भगवंत मान जो हैं वो बाहर निकलेंगे और मीडिया से रूबरू होंगे। 13 मार्च को विजय जुलूस निकालने की तैयारी है, 16 मार्च को पंजाब के सीएम पद की शपथ लेंगे भगवंत मान। तैयारियां जोरों से चल रही होंगी अमित? जी बिल्कुल विपनेश, जिस तरह हम सब जानते हैं कि कल भगवंत मान जो हैं वो अमृतसर पहुंचेंगे, और वहां सबसे पहले जो गुरुद्वारा है श्री हरगोबिंद साहिब का, वहां पर जाएंगे, मत्था टेकेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा से जब भी पंजाब आई है, चाहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या भगवंत मान हो, कोई भी बड़ी या शुभ कार्य की जो शुरुआत होती है वो अमृतसर से ही कर रहे हैं। और यही वजह है कि भगवंत मान जब यहाँ पर सरकार बनाने का प्रस्ताव जब पेश करेंगे, उसके बाद कल सबसे पहले अगर कोई काम करेंगे तो वहाँ जाकर मत्था टेकेंगे, और उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जो भव्य विजय जुलूस है जो अमृतसर में निकाला जाएगा, क्योंकि खास तौर पर अमृतसर को ही चुना गया है, क्योंकि इससे पहले उस पूरे क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को सबसे कम सीटें आई थी, 0 के बराबर सीटें थी, और यही वजह है कि इस बार अमृतसर को चुना गया, क्योंकि अमृतसर की जो 5 से 6 सीटें हैं सभी पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हुआ है इस बार, और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे उत्साह को और अमृतसर की जनता के साथ बांटना चाहते हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं, व्यापक मैसेज देना चाहते हैं, ना सिर्फ पंजाब को बल्कि पूरे भारत को देना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी अब एक राजनीतिक विकल्प के तौर पर देश के सामने आ रही है। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल के जो मैसेज हैं अब सिर्फ पंजाब या दिल्ली के लिए नहीं होते, पूरे देश के लिए होते हैं। जब भी बात करते हैं वो पूरे राष्ट्र के, पूरे देश की बात करते हैं। ये संदेश देने की लगातार कोशिश हो रही है, और इसके बाद जिस तरह गुजरात जाने की जो प्लान है अब अरविंद केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का, लेकिन आपने जानकारी दी है कि भगवंत मान ने राज्यपाल के सामने दावा पेश कर दिया है।